ओ भाई, पहले मौत के कुएं में ऑटो चलाता था क्या? आराम से चला ले। ब्लू लाइन ड्राइवर। कितना पोल्यूशन कर रखा है यार। तू पहले नहीं कर सकती थी शॉपिंग? कल तेरे दोस्त की शादी है, आज तेरे को शॉपिंग करना याद आ रहा है। यार लास्ट वीकेंड मेरा वर्किंग था, तुझे तो पता है ना, मुझे शॉपिंग का भी टाइम नहीं मिला। भैया एटीएम के पास रोकना। क्यों, क्या हो गया? कैश निकलवाना है। अरे तो मॉल में कार्ड चलते हैं यार। और वैसे भी ऑटो ये रोकेगा, लेकिन इसका मीटर तो चालू रहेगा ना। भैया मैं रोकूं या चलाता रहूं? भैया चलाते रहो। पर मुझे सगन डालने के लिए 2000 का नोट भी तो चाहिए। तू पागल हो गई है? 2000 का सगन डालेगी? तेरी दोस्त ने शादी करके ऑस्ट्रेलिया चले जाना है, हमारी शादी के टाइम पे इतना सगन भी वापस नहीं आना, दूर की सोचा कर। भैया अभी ये रोक दो। पर मॉल तो उस साइड है ना? अरे तो ये आगे से यू टर्न मार के आएगा, इसके 20 रुपए एक्स्ट्रा बन जाएंगे, हम तो यहाँ से रोड क्रॉस कर लेंगे बस। वो तो ठीक है, पर बीच में रेलिंग भी तो है। अरे मैं तेरे को टपा दूंगा यार, माता तू आ जा। ओ भैया मैं रोकूं या चलाता रहूं? अरे आप रोको ना यार। कितने हो गए? 120। मैं दे दूं? अरे मैं दे रहा हूं ना यार, मैं दे रही हूं। अरे मैं दे रहा हूं, दे रहा हूं। ओ भैया खुल ले दे दो यार। चल तू दे दे। ए देखो जी, सब तो वधिया पैटर्न, पावे कुड़ी पाले पावे बुड़ी पाले, सारे आते फब्बे दा। ये वाला ना थोड़ा लाइट है, आप मुझे थोड़ा सा हेवी दिखा दो। ओ हले ता ट्रेलर है, हले तिलक नगर दी ठा कलेक्शन ते दिखाना बाकी है। ए वाला देखो पाजी, और थोड़ा हेवी दिखा दो प्लीज। ओ यार तू पावे दो इट्टा बन ले दे नाल, पर इनू लेके फाइनल कर। ओ परजाई जी, ओकेजन की है? शादी है। शादी है? अरे छड्डो, ऐ दसो तुसी बैंकवेट बुक करा लिया? ओ बैंड बाजे ता पक्के बुक नहीं होए होने, ता हलवाई ओ ते साडे कोल परे पए ने, सगन दे लिफाफे साडे कनाडा तक मशहूर ने। पाजी साडे दोना दा ब्याह नहीं हैगा, असी दोना ने जाना किसी तीजे दे ब्याह। ओ वीर जी ब्याह जिदा मर्जी होवे, मैडम तुहाडी नू सोनम बाजवा बना के भेजांगे। तुसी ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हो मेरी मैडम नाल ब्याह ते जान लई। ओ नहीं नहीं वीर जी, एदा दी कोई गल नहीं। मैडम तुसी ए वाला देखो, बड़ा वधिया पीस है। इतने महंगे सूट हैं, आज तो ये मेरी जेब खाली करा के मानेगी। हले तातू रुक जा, तेनू सब तो महंगा सूट दे के भेजांगा। वीर जी रेटां बारे सोचना भी नहीं, रेट साडे फिक्स हैगे ते बारगेनिंग दिमाग चो कट दो। पाजी साडा ना इन्ना बजट नहीं है, तुसी पावे थोड़ा लाइट ही दिखा दो। ओहो मैं ते तुहानु दिशा पटानी दा सूट दिखान लग्या सी, जेड़ा उन्हें हम आपके है कौन में पाया था। चलो कोई गल नहीं। ओह माय गॉश, दिशा पटनी वाला प्लीज दिखाओ ना। ओ मैडम तुसी रहन दो, तुहाडा ना बजट है नहीं, तुसी ले नहीं पाओगे। हमारा कितना बजट है वो हम डिसाइड करेंगे ना, आप बस दिखाओ। चलो ठीक है जी। हेलो जी, तुसी बन गए दिशा पटानी, ते तुहाडे हो गए 5000। गिणदा पिया वा, पता नहीं अभी सारे रख लैंदे। हेलो, हाँ जी हाँ जी, हो गया वीर जी हो गया, 500 वाली चेपी दे, 5000 दी चेपी लाती। जल्दी आओ, अभी मुझे सैंडल्स भी लेनी है। पाजी एते 150 ने, गल ते 200 रुपए दी हुई सी। 50 रुपए तेरी ओवर एक्टिंग दे कटिया बंदा। चल चल पता नहीं कितों आ जाते, 50 रुपए भी कट ले, पैसे भी कट दिते, माई चल पाई दे। ओ यार ऐसी मत चला माता, तेरे को कितनी बारी का है, अभी तेरे सामने 120 रुपए का पेट्रोल भरवाया है मैंने, इतने में गाड़ी घर से मूवी हॉल तक और मूवी हॉल से घर तक ही जाएगी, वो भी बिना एसी के। ठीक है तुम जल्दी चलो, मुझे ना बड़ी भूख लगी है। भूख लगी है?
खबरदार तूने उधर जाके पॉपकॉर्न की डिमांड की तो साला 250 रुपए की टिकट नहीं है 2500 के पॉपकॉर्न बेचते हैं। और तेरे को कितनी बार कहा जब मूवी देखने जाना होता है तो घर से ठूस के आया कर। ये मेरे पास ना इस हफ्ते की आखिरी 500 की पत्ती बची है। चलो ठीक है चलो बस चलो ठीक है चलो महंगाई ने वैसी ले रखी है तू और ले ले। कर लो क्यों नु बंडा आज गड्डी जब्त होएगी मेरी पक्का। सरदार जी वो डिप इवन नंबर की गाड़ी चलान कटाओ 4000 रुपये का। सर वो ना इमरजेंसी हो गई थी वरना मैं तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखता हूँ। इमरजेंसी क्यों भाई पाकिस्तान ने हमला कर दिया था के? सर वो ना मैडम प्रेग्नेंट है थोड़ा सा दर्द उठा था तो मैं हॉस्पिटल ही लेके जा रहा था। लग तो नहीं रही मैडम प्रेग्नेंट या तो न्यू है मोटी लग रही है। क्या बोला इसने? एक मिनट सर मैं क्या कह रहा था कुछ ले दे के निपटा दो ना। ले दे के नहीं तेरे मैं रिश्वत लेने वाला लग रहा हूँ। हाँ 500 लगेंगे फिर। 500 क्या कर रहा है तेरे बोल 500 तो बहुत ज्यादा होते हैं। देख भाई फिक्स रेट नो बार्गेनिंग वरना चलान कटा ले 4000 रुपये का। कर रहा किसको कैमरे लगे हैं भाई काम कर टिश्यू पेपर में डाल के दे टिश्यू पेपर में टिश्यू 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 जाओ भाई जाओ। थैंक यू सर स्मार्ट गाय बच गया। मेरी मूवी यार ओ शुक्र कर उन्हें 500 ही मंगे सी 600 मंग लेंदा ना ते तेनू गिरवी रखना पैना सी। शट अप हर्ष। अच्छा चल ना घर जाके नेटफ्लिक्स देख ले ठीक है। नेटफ्लिक्स के लिए ना उसका सब्सक्रिप्शन भी होना चाहिए। तो बोलना अपनी दोस्त को जिसको तूने 2000 का सेकंड डाला था उसको बोल तेरे को पासवर्ड देगी इतना तो कर ही सकती तेरे लिए। ₹10 साला फुद्दू काट गया। हेलो हे लिसन मेरे पास ना सनबर्न के 3 पासिस हैं तो हम चलें? अरे हाँ ना बिल्कुल चलते हैं पर सिर्फ हम दोनों। हाँ तीसरे पास का क्या करेंगे फिर? एक काम करते हैं तीसरे पास को ना बेच देंगे फिर उससे जो 5000 रुपए आएंगे ना फिर वहाँ जाके कुछ खा पी भी लेंगे ना थोड़ी दूर की सच्चा कर। यार हम ऐसे किसी को दे देते हैं ना वो पास। ऐसे कैसे दे देंगे फ्री का है क्या? यार वैसे ना मैंने सन्नी को प्रॉमिस किया था कि इस बार मैं उसके साथ जाऊँगा। एक काम करते हैं ना सन्नी को ले चलते हैं साथ में। यार सन्नी क्या करेगा हम दोनों के बीच में वो बोर हो जाएगा डोंट यू थिंक सो। हेलो सन्नी क्या हाल है भाई? अरे बढ़िया भाई तू बता। बस बढ़िया बढ़िया। शरीन भी है कॉन्फ्रेंस पे। मैं क्या भाभी जी कैसे हो की हाल चाल? I'm good, thank you. अच्छा सन्नी सुन अपना ना सीन सेट हो गया है अपन लोग जा रहे हैं सनबर्न 3 पासेस हैं तू मैं और शरीन। अरे बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया लव यू। चल ठीक है मैं करता हूँ तेरे को फोन बाद में ठीक है ओके। चल यार तीसरे पास का भी सीन हो गया सेट। यार लेकिन गोल्डी नहीं जा पाएगा हमारे साथ उसको बड़ा बुरा लगेगा ना जब वो मेरी इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखेगा ऐसे ऐसे करते हुए। तो यार हम दोनों चलते हैं ना अभी तुम तीनों कभी और चले जाना। सही बोल रही है यार तू रुक मैं उसको बोलता हूँ। हेलो हेलो सन्नी। हाँ भाई। यार एक पंगा हो गया यार। क्या हो गया भाई? यार तू नहीं जा पाएगा सनबर्न पे। क्यों भाई? यार हमारे पास सिर्फ 3 ही पासेज हैं और फिर गोल्डी जा नहीं पाएगा उसको बहुत बुरा लगेगा। अरे भाई सॉर्टेड तो है 3 पास है तू मैं और गोल्डी भाभी जी क्या करेंगे हमारे साथ जाके वैसे बोर होना वहाँ पे। बात तो तू सही बोल रहा है। चल ठीक है सन्नी मैं तेरे को करता हूँ ठीक है। हाँ ठीक है। यार क्या करूँ फंस गया मैं तो अब सन्नी को भी बोल दिया है गोल्डी भी बुरा मान जाएगा क्या करें अब। तो हम गोल्डी के लिए एक पास परचेज कर लेते हैं। अरे नहीं यार उस लेफंटर के लिए 5000 की टिकट कौन खरीदेगा। नहीं नहीं तो फिर तुम तीनों चले जाओ मैं रहने देती हूँ। चल ठीक है फिर तू इंसिस्ट कर रही है तो। नहीं नहीं यार वैसे तेरे पास से अच्छा नहीं लगेगा ना। नहीं यार कोई बात नहीं तुम लोग जाओ। अच्छा चल ठीक है फिर मैं तेरे घर से पासेस ले लूंगा ठीक है। ओके चल ओके बाय।
Hey Charine, happy birthday. Thank you. So, what are your plans for the evening? Nothing much yaar, ghar pe hu. Tu apne boyfriend ke sath ja rahi? Nahi, actually office mein aaj usse bahut kaam hai to hum aaj nahi mil rahe. Chal, theek hai. Take care. See ya. वाओ मैं तो डर गई तू आप चढ़ाया ना तू किथे डरना वेरी फनी मुझे क्यों बुलाया आज मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है तेरी शादी फिक्स हो गई ना यार स्केड ना अरे तेरा हैप्पी बर्थडे यार देख क्या अरेंजमेंट किया मैंने अरेंजमेंट कहाँ है जरूर जरूर जा वन टू वाओ Perfect. Beautiful. एक कमेंट थम जा यार. ओए, चलाना. मैनू तेरे तो सोना इस दुनिया ते मिलिया कोई नहीं मेरे लिए प्यार दा फुल कदे खिलिया कोई नहीं मेरी तकदीर खुल गई है मेरे खाबा दी मिल गई है मैनू परी मेरी तकदीर खुल गई है मेरे खाबा दी मिल गई है मैनू परी क्या बात है खर्चे हैं पैसा बहुत है पर कदे मान नहीं कीता कदे खर्चा भी नहीं कीता वैसे हम दोनों बहुत ऑपोजिट है ना वो तो है ही है मैं लड़का हूँ और तू लड़की तू रहने दे नहीं नहीं बोल छोड़ साफ साफ बोलना मैं कंजूस हूँ और तू खर्चीली। Oh, I am not खर्चीली, but you are कंजूस। तुझे पता है? जब मैं 10 साल का था ना, तो मैंने होली पे अपने पापा से ना टैंक वाली पिचकारी की डिमांड की। मेरे सारे दोस्तों के पास थी, तो मुझे भी बड़ा शौक था कि मुझे भी वो पिचकारी चाहिए। मैंने बड़ी जिद करी, पर उन्होंने मना कर दिया। मैं पूरी रात रोता रहा और रोते रोते मैं सो गया। अगले दिन जब मैं उठा ना तो वही पिचकारी मेरी खिड़की पे टंगी हुई थी मैं इतना खुश हुआ कि दो दिन तक ना वो पिचकारी टांग के घूम रहा था पर दो दिन के बाद ना मैंने कभी उस पिचकारी को हाथ भी नहीं लगाया और अब मुझे रियलाइज होता है मेरे लिए तो वो एक छोटी सी जिद थी पर उनके लिए कितना मुश्किल था मुझे वो पिचकारी लेके देना इसलिए मुझे लगता है कि हमें पैसे उन्हीं चीज़ों पे खर्च करने चाहिए जिनका लॉन्ग टर्म में कुछ फ़ायदा हो जिसे तुम कंजूसी बोलते हो ना उसे मैं सेविंग्स बोलता हूँ खर्चे करने को मैं भी कर सकता हूँ पर मुझे फिजूल खर्चे और नेसेसरी खर्चों में ना फ़र्क पता है बहुत लकी होते हैं वो लोग यार जिनको सब बना बनाया मिल जाता है पर मैंने एक एक चीज़ अपने आप बनाई है इसलिए मुझे पैसों की वैल्यू पता है अब इतनी जो सेविंग करूँगा वो आगे जाके हमारे ऊपर ही तो खर्च करूंगा ना थोड़ी दूर की सोचा कर हर्ष तू हमेशा दूर की सोचता है ना पर आज का क्या आज में भी तो जी ले आज का एक मिनट ओह माय गॉड कंजूसड़े व्हाट द हेल यार इट्स एम्प्टी अरे वो रिंग बड़ी महंगी थी ना तो मैंने सोचा कि इस बार बॉक्स दे देता हूँ अगली बार रिंग दे दूंगा बड़ा चंगा कितना अरे इस बार पक्का तेरे साइज की है बाबा
हेलो, हाँ जी मम्मा, रिंग? नहीं मैंने तो नहीं देखी। अरे वहीं कहीं गिर गई होगी ना? नहीं नहीं पापा से पूछ लो, मुझे नहीं पता। हाँ मैं घर आके बात करता हूँ। ओके बाय। चमगादड़। तो क्या हो गया? ये चिपक जाए ना तो खून चूस लेता है। इससे ज़्यादा खून तो तू चूस लेती है। अरे गाइज हाउ आर यू। तो यार फाइनली वीडियो आ गई। मेरे को बहुत लोगों ने डिमांड करी थी कंजूस बॉयफ्रेंड पार्ट वन के बाद इसका पार्ट टू भी बनाओ, तो हेयर वी आर। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, आई एम श्योर अच्छी लगी होगी। और वीडियो को अपने कंजूस फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना, और कमेंट करके बताना कि आपको सबसे बेस्ट सिनेरियो कौन सा लगा, है ना। और क्या करना है? इंस्टा पे फॉलो कर लो हम सबको, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाना, ठीक है। और जिसने पार्ट वन अभी नहीं देखा है वो देख सकते हो पार्ट वन। लव यू ऑल। Bye.